हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल दीक्षा परफेक्ट प्लेट एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा नाश्ता जो आप इवनिंग स्नैक्स में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में और बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं बहुत ही ईजी है आज हम बनाने जा रहे हैं पालक कैसे दिया जो नॉर्मली मैदे से बनता है बट आज हम इसे आटे से बनाने वाले हैं तो यहाँ मैंने एक बोल लिया है और इसमें डाल दिया है एक कप आटा तो ये सिर्फ एक कप आटा है आप इसमें आटा मैदा मिक्स ले सकते हैं या फिर आटा सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं बट मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ तो इसमें सिर्फ मैंने आटा डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये है मेरे पास पालक की प्यौरे मैंने सिर्फ 100 ग्राम पालक लिया था उसको वॉश करके बस प्यूरे बना लिया है तो हम इसी से इस आटे को गूंथने वाले हैं तो आप इसे पालक कैसे दिया भी कह सकते हैं तो मैं इस आटे में पानी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इतनी प्यूरे इनफ है मेरे आटे को गूँथने के लिए तो एक सॉफ़्ट सा आटा लगाएंगे और इतने आटे में दो कैसे रियाज आराम से बन जाएगा ये देखिए आटा मेरा गूंथ के रेडी हो गया है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि थोड़ा सा और सॉफ़्ट हो जाए और इसको एक बार और एक मिनट के लिए मसल लूँगी तो ये देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है ये बिल्कुल रेडी है इसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा और इसको मैं ढक के थोड़ा रेस्ट दे दूँगी जब तक हम अपने आगे की प्रपरेशन कर लेते हैं तो लगभग दस मिनट मैंने रेस्ट दिया और ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी है थोड़ा इसका कलर डार्क लग रहा होगा क्योंकि पालक का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि इतने आटे में धोके से दिहाज आराम से बन जाएंगे और ये देखिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया और इसको मैं रोल कर लेती हूँ जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए करते हैं तो ये स्टेप हमें बिल्कुल रोटी जैसा फॉलो करना है जैसे आप नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से देखिए अच्छे से मैंने दोनों अपनी लोइयों को रोल कर लिया है अब इसकी रोटियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे तो पहले मैं इसे सूखे आटे से डस्ट करके जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं हम लोग उसी तरह से इसको रोल कर लूँगी ये देखिए तो बस ध्यान ये रखना है कि इसे थोड़ा सा पतला और बड़ा रोल करना है छोटा रोल मत करिएगा क्योंकि उसमें फिर फिलिंग करने में हमें प्रॉब्लम होगी और यहाँ मेरे दोनों कैसे द्यास के लिए बेस रेडी है और इसको चलते हैं सेकने के प्रोसेस में तो पैन थोड़ा सा गर्म हो गया था इसके ऊपर मैंने डाल दिया अपनी रोटी और इसको मैं हल्का हल्का सा सेकूँगी बस एक एक मिनट के लिए दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है ब्राउन नहीं करना है जैसे हम रोटी पकाते हैं बिल्कुल वैसे नहीं करना है ये देखिए बस एक मिनट हो गया है इसको मैं पलट दूंगी बस इतना इतना सा मुझे हाफ टर्न करना है इन रोटियों को क्योंकि हम इसे बाद में भी सेकने वाले हैं तो बस इसी तरीके से दोनों रोटियों को सेक लूंगी मैं ये देखिए मेरी फर्स्ट जो कैसे दियाज है वो रेडी है और यहाँ सेकेंड भी रेडी हो गई है ये देखिए तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इसको ना गरम ही आप थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके फिर रखिएगा और कपड़े से ढक के रखिएगा इससे ये सॉफ्ट बनी रहेंगी और पहले ही फोल्ड करने से क्या होगा ना जब आप इसे बाद में फ़ोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएंगे लेकिन पहले फ़ोल्ड करके रखेंगे तो वो टूटेंगे नहीं तो इसको मैं बंद करके कपड़े में रख लपेट के रख देती हूँ यहाँ हम फिलिंग बनाएंगे जिसके लिए मैंने पैन में बटर डाल दिया है इसमें डालूँगी मैं गार्लिक एक टीस्पून जितना चॉप्ड है ये और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं, तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं वैसे तो जो ये कैसे के, द्याज है ये मेक्सिकन डिश है और ये मैदे से बनती है बट क्योंकि हम इसे हेल्दी बनाने वाले हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मैं इसे आटे और पालक से बना रही हूँ और इसमें आप फिलिंग में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं देखिए मैंने यहाँ अनियन डाला है तो एक प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है इसके बाद डाल इसको बस हल्का सा मिक्स करके डाल दिया है कैप्सिकम कुछ भी हमें यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ क्रिस्प चाहिए और इसके बाद डाल दूँगी मैं ग्रीन चिलीज़ तो मैंने यहाँ सब्जियों को बारीक चॉप किया है आप चाहें तो सब्जियों को लंबा लंबा भी चॉप कर सकते हैं और ये देखिए हल्का सा बस एक एक दस दस सेकेंड के लिए मैं मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं और थोड़ा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ टमाटर यूज़ किया है आप चाहें तो रेड और येलो जो बेल पेपर्स आते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बॉयल कॉर्नस और इसको भी बस 10 से 15 सेकंड के लिए मैं आ, सौते कर लूँगी सब के साथ तो ये देखिए इसके बाद डाल देंगे हम इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और ध्यान रखिएगा जो हमने रोटियां सीखी हैं उस पर भी नमक डाला है उसके बाद डाल दिया मैंने ऑर्गेनो तो ये पाउच वाले ऑर्गेनोज जो डोमिनोज पिज्जा के साथ आते हैं वो यूज़ कर रही हूँ मैं आप चाहें तो इसकी जगह मिक्सड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो फिर कोई भी अपनी पसंद का मसाला जैसे गरम मसाला या किचन किंग मसाला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ डाल दिया है मैंने चिली फ्लेक्स तो चिली फ्लेक्स ना हो तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको साइड में रख के ठंडा होने देंगे और चलते हैं अपनी आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं और ये देखिए ये मेरी टोट्याज़ या रोटी कह लीजिए और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चीज़ तो एक ही साइड हमें लगाना है दूसरी साइड हमें फोल्ड करना है तो वहाँ लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं मैं मोजरेला और शडार यू, आ, मिक्स यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर डाल दिया मैंने सब्जियाँ ये देखिए तो कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं बट क्योंकि हम इसे थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं तो अच्छे से सब्जियों को फिल कर दीजिए और यहाँ आप चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए और इसके ऊपर भी मैं एक थोड़ा सा चीज़ डाल देती हूँ और चीज़ कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं जैसा आपको खाने में पसंद है तो ये देखिए इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ और हमारी जो कैसे द्याज हैं बस रेडी हैं अब हमें इन्हें सेकना है ये देखिए तो दोनों कैसे रियाज को मैंने ऐसे ही पका लिया है फिल कर लिया है अब इसे थोड़ा थोड़ा सा सेकना है तो पैन में बटर लगा के मैंने कैसे रियाज रख दिए हैं और इसको दोनों साइड से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे तो ऊपर भी मैं बटर लगा लेती हूँ और अगर आप जन्माष्टमी के लिए कुछ मीठा मिठाई ढूँढ रहे हैं लड्डू की रेसिपी ढूँढ रहे हैं तो मैंने अपने चैनल पर शेयर की है आप उसे ज़रूर देखिएगा मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी और ये देखिए एक साइड से ये डन हो गया है इसको मैं पलट देती हूँ और कितना बढ़िया क्रिस्प हुआ ये देखिए बहुत ही हेल्दी है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है आप इसे खिलाइए थोड़ा चीज़ कम करके बस बाकी तो ये बहुत हेल्दी है और ये देखिए जब ये दोनों साइड से डन हो जाए इसको हम निकाल लेंगे तो हमारे कैसे दिहाज बिल्कुल रेडी हैं आप इसे अपने घर वालों को और बच्चों को बहुत ही आसानी से खिला सकते हैं क्योंकि ये बहुत यमी और हेल्दी हैं और हेल्दी खाएँ बच्चे यही तो हमें चाहिए तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आगे अगली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिलती रहे तो ये देखिए कितना चीज़ी और यमी है ये ये देखिए तो इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर